बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर डियर बायोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि अर्थ जो है पहले एक सेंट्रल मास थे। इस मास में जो है सारे एनिमल्स जो है वो इकट्ठे थे, एक सेंटर ऑफ ओरिजिन था। जैसे जैसे इनकी रैपिडली जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुई, उसके बाद जो है ये अपने डिफरेंट एरियाज में जो है डिस्पर्स होना स्टार्ट हो गए। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट हुई। जैसे एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, उसमें जो है हमारी जमीन के जो है मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो तकसीम हुई, उसमें जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई। Now the animals are not uniformly distributed on land and in fresh water. They are restricted to certain places by several factors such as climate, food, shelter, flora and fauna. So इनमें जो है ये restricted नहीं थे इनकी places, किसी भी area, किसी भी region में जो है ये move कर गए। So generally distribution can be classified into five categories, namely फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस और कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ वन इज आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिफ्थ वन इज बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी स्टडी वन बाय वन ईच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस और कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका दूसरा नाम जो है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसे कह सकते हैं, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। इनमें जितने एनिमल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इनकी है। तो इन वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या जिन्होंने एनिमल ने उससे एडॉप्ट किया है उन एरियाज को, उन्हें दो नाम या दो टर्म्स दी गई हैं, यूरोटॉपिक एंड स्टेनोटॉपिक। यूरोटॉपिक और वाइड रेंजिंग एनिमल्स आर एडॉप्टेड टू अ वाइड वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन एंड आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड और मे हैव स्पेशल पावर टू क्रॉस बैरियर्स आइदर बाय फ्लाइट, राफ्टिंग एंड स्विमिंग एंड एडॉप्ट टू न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी कि यूरोटॉपिक जो है वाइड रेंजिंग एनिमल्स एडॉप्टिंग बिहेवियर है, जिसमें हम देखें कि ये किसी स्पेसिफिक एरिया में जो है वो नहीं रह सकते, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इनमें जो है इन्होंने इनके अंदर जो है स्पेशल पावर ऑफ क्रॉसिंग बैरियर्स हैं, इन्होंने उन बैरियर्स को जो है वो क्रॉस किया बाय फ्लाइट है, राफ्टिंग यानी कि किसी भी लॉग्स या किसी भी बोट के थ्रू जो है बोटिंग के थ्रू जो है वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए। इसी तरह स्विमिंग है फिशेज में आप देखें, इसी तरह जो है डिफरेंट उन्होंने बैरियर्स को क्रॉस किया। तो इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि वाइड रेंजिंग एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड हैं, उनमें रेट्स हैं, बैट्स हैं, हॉक्स हैं, कुकूज हैं, कॉकरोचेज हैं, फ्लाइज, मॉस्किटो, लिजर्ड, स्नेक एंड मैन। Many of the eutrophic animals have continuous distribution because they are companion of man. इनके वो human being के साथी हैं, जहाँ जहाँ पे human being है वो उनके साथ उन्होंने travel किया है and have traveled to long distances with him. तो इस तरह से जो है वो they are well adopted. इनके वो well adopted हैं, उन्होंने easily जो है उन areas को जो है वो adopt कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूस मीन के ऑन एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है। इनके व्हेन कंटिन्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पीशीज इज ब्रोकन बाय अनइनहेबिटेड एरियाज विच आर समटाइम्स वेरी लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ ओशंस, दीज आर प्राइमरीली फोर रीजंस व्हाई एनिमल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइडली सेपरेटेड एरियाज। इनके क्यों सेपरेटली उन्होंने
अपने एरियाज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उनके क्या वजूहत हैं, तो वो जो है हम पॉइंट वाइज यानी कि वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है, वाटर है, लैंड है, एक्सटिंक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं, तो इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन जो है वो वाटर है, एनिमल रीच डिस्टेंस एरियाज बाय स्विफ्ट टैक्स रूट्स, इनके फास्टली उन रूट्स पे गए, एज लंग फिशेज, जैसे लंग फिशेज हैं वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स हैं, स्नेल्स हैं एंड वेयर्स हैं, बाय राफ्टिंग इनके राफ्टिंग के थ्रू या बोटिंग के थ्रू है, टर्टल्स बाय फ्लोटिंग है एंड स्विमिंग, एंड बर्ड्स आर ब्लोन बाय स्टॉर्म। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन बैरियर्स को जो है वो क्रॉस करके हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है लैंड मासेस। लैंड मासेस की वजह से यानी कि जमीन के हिस्से जो हैं, द स्पीशीज वाज अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली, इनके स्टार्ट में जो है ये इजीली और डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुए, बट द लैंड मासेस इन द इंटरमीडिएट एरिया सबमर्ज, उसके बाद जो है लैंड मासेस जो है वो उनके दरमियान में आ गए, जिसकी वजह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कंटिन्यूटी नहीं रही, ब्रेक आ गया, इनके ऑन एंड ऑफ वाली कंडीशन हो गई, या फिर इनमें जो है डिस्टर्ब्ड इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं ब्रेक हो गया। ब्रेकिंग द स्पीशीज इनटू वाइडली सेपरेटेड पॉपुलेशंस, टू जेनरा ऑफ एलिफेंट्स है, एलिगेटर्स है, मार्सुपियल्स हैं, तो ये जो है लैंड मासेस की वजह से जो है अपने दोबारा इनके सेंटर ऑफ ओरिजिन की तरफ नहीं जा सके। लॉन्ग डिस्टेंस में देखते हैं कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सेपरेटेड द कॉन्टिनेंट्स एंड कैरीड देम टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, आइसोलेटिंग द एनिमल्स फ्रॉम अदर एरियाज। अब जब एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जो है वो कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गए, जिसकी वजह से उनके लिए ये डिस्टेंस जो है वो बहुत लॉन्ग हो गया, इस तरह से वो एनिमल जो है वो आइसोलेट हो गए दूसरे एरियाज से। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन, अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज कैन बिकम एक्सटिंक्ट इन द इंटरमीडिएट एरियाज ड्यू टू चेंज इन द क्लाइमेट टू विच द स्पीशीज इज अनएबल टू अडॉप्ट। इनके वो एनिमल्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए दूसरे एरियाज में, बट इंटरमीडिएट एरियाज की ब्रेकिंग की वजह से जो है वो दोबारा अपने इस एरिया में नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है इन्हें सूटेबल नहीं था या उनके लिए फेवरेबल नहीं था, वो एडॉप्ट नहीं कर सके, तो वो स्पीशीज जो है फिर बाद में एक्सटिंक्ट हो गई। अब हम डिसकंटीन्यूअस की एग्जाम्पल्स देखते हैं, कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो सेपरेटेड एरियाज में है या स्पेशल एरियाज में जो है वो प्रेजेंट है। द टू एलिफेंट स्पीशीज सर्वाइविंग टूडे, लोग्जोडोंटा अफ्रीकेना अकर्स इन अफ्रीका, वाइल अनदर स्पीशीज एलिफस मैक्सिमस इज फाउंड इन इंडिया, बर्मा, थाईलैंड एंड श्रीलंका। नेक्स्ट हम है रेप्टाइल्स में, अगर हम देखें एलिगेटर्स अकर इन अमेरिका एंड चाइना, एलिगेटर मिसिपियंसिस इन अमेरिकन, केमन इन साउथ अमेरिका एंड एलिगेटर साइनेंसिस इन चाइना। तो ये तमाम यानी कि एनिमल्स उनकी स्पीशीज हैं जो कि डिसकंटिन्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है वो सेपरेट हुई हैं और अपने एरिया में ही आइसोलेट हैं। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन का बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। As you know by the name of bipolar, bipolar regions हैं इनके southern and northern region जो हैं, animals are present at both poles and absent in tropical areas या regions, यानी कि एक पोल पे और एक दूसरे पोल पे और दरमियान का जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे एबसेंट हैं। Some species because they are adapted to the cold arctic climate cannot migrate to the warmer areas। इनके कुछ स्पीशीज ऐसी थी जो पोलर रीजन पे इनके कोल्ड इलेक्ट्रिक क्लाइमेट में जो है अपने आप को उन्होंने सरवाइव कर लिया, वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया और इस तरह से जो है वो अब माइग्रेट नहीं कर सकती थी कहाँ पे, ट्रॉपिकल एरियाज में या वार्मर एरियाज में, एनहेंस रिस्ट्रिक्टेड टू द पोलर रीजन। एग्जाम्पल इनकी क्या है, पोलर बियर्स हैं, अर्कटिक फॉक्स है एंड रेनडियर्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न
polar regions, while penguins are restricted to the Antarctica region. Among fishes, salmons migrate up to temperate and polar tributaries for breeding. तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो बाइपोलर कहलाते हैं, इनके अपने अपने पोल्स पे जो है इन्होंने अपनी लाइफ को वहां पे अडॉप्ट कर लिया है. फोर्थ वन, टाइप ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन. एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन कन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड इन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन टू एन एरिया और रीजन. यानी कि एंडेमिक जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया या रीजन में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है. द एरिया और रीजन कैन वेरी इन साइज एंड इन डिफाइंड और आइडेंटिफाइड इन डिफरेंट वेज. इनके डिफरेंट वेज में जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस एरिया में जो है वो प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कोई डिजीज है या कोई एनिमल है वो जो है पाकिस्तान में है बट इंडिया में एब्सेंट है, इंडिया में है ऑस्ट्रेलिया में एब्सेंट है, ऑस्ट्रेलिया में है तो ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो एब्सेंट है. तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन है. एंडेमिज्म इज एन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन दैट इट डिस्क्राइब्स द रेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पीशीज और ग्रुप ऑफ स्पीशीज. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल इसकी एंटायर फैमिलीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर एंडेमिक टू द आईलैंड ऑफ मेडागास्कर. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने नील गाय है, जिराफ है, आर्मीडोलाज हैं, फाउंड ओनली इन न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स. जिराफ वगैरह को आप देखें किसी दूसरे एरिया में हमें नहीं मिलते, सिर्फ वहीं एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे ये नजर आते हैं. इसी तरह आर्मीडोलाज हैं वो भी स्पेसिफिक एरिया में नजर आएंगे तो उन्हें हम एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल कहेंगे. लास्ट पॉइंट ऑफ द एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इज आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन. आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है सम एनिमल्स फाउंड ओनली आइसोलेटेड देमसेल्व्स टू अ स्पेसिफिक एरिया. ओनली सम एनिमल्स जो है वो आइसोलेट करते हैं अपने आप को स्पेसिफिक एरिया में. सच फॉर्म्स आर सेड टू हैव आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन. इसी जो इन्हें आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल मार्सुपियल्स हैं, डक बिल प्लेटिपस हैं, कैंगरू हैं और आइसोलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया. इसी तरह जो है रेप्टाइल्स की एक स्पीशी है सेनोडॉन रेप्टाइल आइसोलेटेड टू न्यूजीलैंड. ओनली फाउंड इन न्यूजीलैंड. इनके सिर्फ ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं. इसी तरह जो है वो कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. तो इन एनिमल्स ने अपने आप को एक स्पेसिफिक एरिया में अपनी मर्जी से जो है वो आइसोलेट कर लिया है. यानी कि ये कहीं दूसरी जगह पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं जाते क्योंकि वहां पे हो सकता है कि इनके लिए वो क्लाइमेट, इनके लिए फूड, इनके लिए डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो इनको सूटेबल इनके लिए ना हो, इसलिए इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है. तो ये हमारा टॉपिक था एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन.